हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, आप आप सभी सभी का का स्वागत स्वागत करता करता हूँ हूँ इस इस चैनल चैनल पे पे जिसका जिसका नाम नाम है है जेडी जेडी स्टडीज। स्टडीज। कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड एडेड डिजाइन डिजाइन हमारा हमारा चैप्टर चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट हमने हमने कर कर लिया लिया था, था, जिसमें जिसमें हमने हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट पार्ट कंप्लीट कंप्लीट कर कर दिया दिया था। था। अगर अगर वो वो वीडियो वीडियो किसी किसी ने ने नहीं नहीं देखा देखा है है तो तो वो वो प्लीज प्लीज जाके जाके वीडियो वीडियो देख देख लीजिएगा, लीजिएगा, ताकि ताकि आने आने वाले वाले वीडियोज वीडियोज में में आपको आपको पूरी पूरी जानकारी जानकारी हो हो कि कि इस इस चैप्टर चैप्टर में में क्या क्या होने होने वाला वाला है। है। आज आज हम हम लोग लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस अप्रोचेस फॉर फॉर दी दी कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड एडेड डिजाइन। डिजाइन। मीन्स मीन्स कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड एडेड डिजाइन डिजाइन तो तो हम हम करते करते हैं, हैं, लेकिन लेकिन उसके उसके लिए लिए कुछ कुछ मेथड्स मेथड्स जो जो हैं हैं वो वो जिसको जिसको हम हम लोग लोग अप्रोच अप्रोच करते करते हैं, हैं, तो तो मेथड्स मेथड्स कौन कौन सी सी है है आज आज हम हम लोग लोग वो वो कवर कवर करेंगे। करेंगे। तो तो आइए आइए किस किस बिना बिना किसी किसी डेरे डेरे से से स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं हम हम लोग लोग आज आज का का लेक्चर। लेक्चर। देखिए, देखिए, हमारे हमारे पास पास टोटल टोटल तीन तीन मेथड मेथड है। है। सबसे सबसे पहली पहली मेथड मेथड है है हमारी हमारी एनालिसिस एनालिसिस मेथड। मेथड। तो तो एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड में में क्या क्या होता होता है है कि कि जो जो आपका आपका कंप्यूटर कंप्यूटर है है वो वो खाली खाली आपका आपका एनालिसिस एनालिसिस पर्पस पर्पस के के लिए लिए यूज यूज होता होता है। है। और और बाकी बाकी के के सारे सारे जो जो डिसीजन डिसीजन है है वो वो डिसीजन डिसीजन हमारे हमारे डिजाइनर डिजाइनर यानी यानी कि कि मैन मैन मेड मेड यानी यानी कि कि ह्यूमन ह्यूमन लेता लेता है, है, ठीक ठीक है, है, मैन्युअली मैन्युअली बाय बाय दी दी डिजाइनर। डिजाइनर। तो तो मैं मैं एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड में में एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड में में जो जो बेसिक बेसिक पैरामीटर पैरामीटर है है या या फिर फिर उसका उसका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का का टाइप टाइप है, है, ये ये इसकी इसकी चॉइस चॉइस कौन कौन करता करता है? है? इसकी इसकी चॉइस चॉइस करी करी जाती जाती है है बाय बाय द द डिजाइनर। डिजाइनर। डिजाइनर डिजाइनर ही ही चॉइस चॉइस करता करता है है कि कि कौन कौन से से बेसिक बेसिक पैरामीटर पैरामीटर हमें हमें रखने रखने हैं हैं और और कौन कौन से से टाइप टाइप का का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हमें हमें मेथड मेथड डिजाइन डिजाइन के के लिए लिए करना करना है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे हम हम लोग लोग एक एक इनपुट इनपुट देते देते हैं। हैं। देर देर आर आर गिवन गिवन एज एज इनपुट इनपुट टू टू कंप्यूटर कंप्यूटर फॉर फॉर एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन मशीन डिमेंशन डिमेंशन एंड एंड परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ पे पे हम हम लोग लोग कंप्यूटर कंप्यूटर को को क्या क्या देते देते हैं? हैं? एक एक इनपुट इनपुट देते देते हैं। हैं। वो वो इनपुट इनपुट में में क्या क्या होता होता है? है? डिमेंशन डिमेंशन होते होते हैं हैं मशीन मशीन के, के, यानी यानी डी डी एंड एंड एल एल होते होते हैं, हैं, और और उसकी उसकी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैलकुलेशन कैलकुलेशन होती होती है। है। और और जो जो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमारे हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर के के द्वारा द्वारा कैलकुलेट कैलकुलेट की की जाती जाती है है वो वो हम हम लोग लोग क्रिटिकली क्रिटिकली एग्जामिन एग्जामिन करते करते हैं। हैं। उस उस डिजाइनर डिजाइनर उसे उसे क्रिटिकली क्रिटिकली एग्जामिन एग्जामिन करता करता है है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू उसके उसके स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। ठीक ठीक है, है, अगर 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 आपका आपका डिजाइन डिजाइन जो जो है है वो वो अगर अगर सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी है है तो तो आपका आपका जो जो आउटपुट आउटपुट है है वो वो आपका आपका फाइनल फाइनल डिजाइन डिजाइन डिटेल डिटेल के के तौर तौर पे पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा करेगा आपका आपका कोई कोई भी भी डिजाइनर डिजाइनर होगा होगा वो। वो। लेकिन लेकिन अगर अगर आपकी आपकी डिजाइन डिजाइन सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी नहीं नहीं है है तो तो डिजाइनर डिजाइनर जो जो है है उसको उसको यानी यानी कि कि जो जो भी भी आपका आपका मशीन मशीन में में या या फिर फिर जो जो भी भी आपके आपके कंप्यूटर कंप्यूटर में में आपने आपने जो जो भी भी डेटा डेटा दिया दिया है है उसको उसको उसमें उसमें चेंजेस चेंजेस करेगा करेगा और और आपके आपके पैरामीटर पैरामीटर को को रिकैलकुलेट रिकैलकुलेट करके करके फिर फिर से से क्या क्या करेगा करेगा कंप्यूटर कंप्यूटर में में एज एज एन एन इनपुट इनपुट देगा। देगा। तो तो ये ये प्रोसेस प्रोसेस जो जो है है ये ये प्रोसेस प्रोसेस आपकी आपकी तब तब तक तक रिपीट रिपीट करी करी जाती जाती है है जब जब तक तक आपको आपको मशीन मशीन की की सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं नहीं मिलती मिलती तब तब तक। तक। ठीक ठीक है, है, तो तो जो जो यहाँ यहाँ पे पे कंसिडरेबल कंसिडरेबल टाइम टाइम है है वो वो हमारा हमारा सेव सेव किया किया जाता जाता है है किस किस तरीके तरीके से से बाय बाय कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस विद विद द द हेल्प हेल्प ऑफ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर। मीन्स मीन्स आपको आपको क्या क्या करना करना है है सिर्फ सिर्फ डिजाइनर डिजाइनर क्या क्या करता करता है है सिर्फ सिर्फ डी डी और और एल एल की की वैल्यू वैल्यू पुट पुट करता करता है है और और क्या क्या करता करता है है मशीन मशीन की की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस चेक चेक करता करता है। है। एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड में में कैलकुलेशन कैलकुलेशन जो जो है है जो जो लेंथी लेंथी कैलकुलेशन कैलकुलेशन है है वो वो कंप्यूटर कंप्यूटर का का यूज यूज करके करके हम हम लोग लोग करते करते हैं। हैं। बाकी बाकी की की सारी सारी जो जो भी भी डिजाइनर डिजाइनर की की जैसे जैसे मशीन मशीन डिमेंशन डिमेंशन को को फाइंड फाइंड आउट आउट करना करना ये ये सब सब जो जो है है ये ये सब सब डिजाइनर डिजाइनर के के थ्रू थ्रू किया किया जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये जो जो एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड है है ये ये एनालिसिस एनालिसिस मेथड मेथड हम हम लोग लोग इनिशियली इनिशियली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन मशीन की की डिजाइन डिजाइन के के लिए लिए हम हम लोग लोग यूज यूज करते करते थे थे और और फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट भी भी उसका उसका हमने हमने यहाँ यहाँ पे पे दिखाया दिखाया है। है। देखिए, देखिए, उसका उसका फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट है है ये। ये। देखिए, देखिए, कोई कोई भी भी प्रोसेस प्रोसेस पहले पहले स्टार्ट स्टार्ट हो हो रही रही है। है। स्टार्ट स्टार्ट होने होने के के बाद बाद वो वो ह्यूमन ह्यूमन डिसीजन डिसीजन दे दे रहा रहा है है यहाँ यहाँ पे, पे, यानी यानी कि कि जो जो भी भी उसके उसके आउटपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, है, जो जो भी भी उसकी उसकी पैरामीटर पैरामीटर की की चॉइस चॉइस है, है, जो जो भी भी उसकी उसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है है वो वो कंप्यूटर कंप्यूटर में में दे दे रहा रहा है है और और कंप्यूटर कंप्यूटर उस उस चीज चीज की की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैलकुलेशन कैलकुलेशन या या
आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा और प्रोसेस आगे स्टॉप हो जाएगी। तो ये है फ्लो चार्ट ऑफ एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो जो भी आपके एनालिसिस मेथड के लिए जो प्रोग्राम है वो आपके सिंपल होते हैं, इजी होते हैं और अंडरस्टैंड और इजीली यूज हम लोग उसे कर सकते हैं। ये जो है ये मेथड एनालिसिस मेथड ये आपका कैलकुलेशन का टाइम बहुत बचा देती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस मेथड जो होती है वो वाइडली उसके रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं। एक एडवांटेज है ये मेथड का, क्या एडवांटेज है कि जो भी आपका लॉजिकल डिसीजन है ठीक है वो हमारा डिजाइनर लेता है, हेंस इसीलिए सिंपल प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है एनालिसिस मेथड का एडवांटेज। नाउ सेकंड मेथड क्या है हमारी? सिंथेसिस मेथड ऑफ डिजाइन। तो ये एनालिसिस मेथड में हमने क्या देखा कि जो भी लॉजिकल डिसीजन होता है वो हमारा डिजाइनर लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है कि जब आपका आउटपुट आपके डिजायर स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करता तब डिजाइनर जो है फिर से सुटेबल पर पैरामीटर चेक करके सिलेक्ट करके परफॉर्मेंस एनालिसिस को डन करता है। लेकिन सिंथेसिस मेथड में क्या होता है कि जो भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं आपके वो आपके कंप्यूटर के द्वारा लिए जाते हैं। तो लॉजिकल डिसीजन इंक्लूडेड द सुटेबल चेंज इन पैरामीटर्स टू अचीव डिजायर्ड डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे एक स्टेप हम लोग अहेड है, क्या कि जो भी लॉजिकल डिसीजन है वो भी हमारा कंप्यूटर लेगा। ठीक है, तो वो जो लॉजिकल डिसीजन है वो लॉजिकल डिसीजन आपका क्या होता है, आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे अवेलेबल होता है। और जो फ्लो चार्ट है सिंथेसिस मेथड का वो यहाँ पे हमने फिगर में बताया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड होंगी, जैसे प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो रही है, आप क्या दे रहे हैं हमारा अपने अकॉर्डिंग आप अपना स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं और चॉइस ऑफ सुटेबल वेरिएबल आपका कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसर हो रही है। देन ये जो पूरी है डिजाइन कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, कंपेयर कैलकुलेटेड एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये सारी जो प्रोसेस है ये कंप्यूटर थ्रू हमारी डन हो रही है। ठीक है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस, अगर जो आपने डेटा दिया है उसकी उसके अकॉर्डिंग जो उसने डिजाइन करी है उसकी परफॉर्मेंस मशीन की ओके है तो टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड आपकी कैलकुलेट करेगा, देन डिजाइन का डेटा आपका प्रिंट होगा और आगे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ओके नहीं है तो जो भी आपके सुटेबल चेंजेस है वो सुटेबल चेंजेस आपका वेरिएबल में कौन करेगा? कंप्यूटर ही करेगा। तो ये जो होल प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक की लूप के साथ ये कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है। ओके, तो ये है फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेसिस मेथड। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के डिजाइन के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं देख लेते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पे है कंडक्टिंग मैग्नेटिक एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर ऑलवेज कंटिन्यूड एंड हैज देयर मे बी चेंजेस विच मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोग्राम। और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, व्हेन अ मशीन इज टू बी डिजाइन देयर आर मेनी पैरामीटर्स टू बी कंसिडर इन द डिजाइन प्रोसीजर, hence to get an optimized design there may be so many combinations of parameters which can difficult logic decisions and bulky programs। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसके अंदर क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा होगी तो लॉजिकल डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और लॉजिकल डिसीजन अगर आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो गया तो आपके जो भी आपके पैरामीटर्स आपको चाहिए जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो हमने ऊपर के जो ये दो एस्पेक्ट देखे, ये एस्पेक्ट के कारण
सिंथेसिस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लॉजिकल डिसीजन टू बी टेकन बाय कंप्यूटर। मींस क्या है, कंप्यूटर कभी ना कभी उसके अगर एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या होगा, आपके डिसीजन लेने में कंप्यूटर को प्रॉब्लम हो जाएगी, मींस उसकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक द प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी। ओके, देन सी, कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोग्राम्स नीड लार्ज कंप्यूटर्स व्हिच रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और चौथा डिसएडवांटेज क्या है, द प्रोग्राम नीड्स टू बी चेंज टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट चेंजेस इन मटेरियल एंड टेक्निक्स। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सिंथेसिस मेथड के। नाउ तीसरी मेथड है हमारी हाइब्रिड मेथड। तो देखो हाइब्रिड मेथड में क्या होता है, जब हम लोग एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं मशीन डिजाइन के लिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमने एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया आगे इससे पहले कि हमारा लॉजिकल डिसीजन जो है वो अगर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो प्रोग्राम में ऐसी इंस्ट्रक्शन हम लोग को कंसिडर करनी पड़ती है जिसके कारण आपका जो भी मेथड है, जो भी कैलकुलेशन है, वो थोड़ी इजी हो सके। और जो प्रोग्राम विच इज मेड फॉर डिजाइन शुड हैव प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेक द लॉजिकल डिसीजन। ओके, यहाँ पे सिंथेसिस मेथड का जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रोग्राम यूज फॉर सिंथेसिस मेथड शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गुड टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स। ओके, दिस मे इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड समटाइम्स इट इज कॉम्प्लिकेटेड। सो टू मेक डिजाइन प्रोसीजर इजियर द लॉजिकल डिसीजन कैन बी पार्टली टेकन बाय द डिजाइनर और पार्टली टेकन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो हाइब्रिड मेथड में क्या होता है कि जो आपके लॉजिकल डिजाइन लॉजिकल डिसीजन होते हैं वो कुछ आपका डिजाइनर लेता है और कुछ आपका कंप्यूटर लेता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्योंकि देखो सिंथेसिस मेथड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गुड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इंजीनियर में और डिजाइनर में, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में ऐसे कुछ और डिजाइनर को हमने हायर करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन करते हैं अगर हम तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज हो जाता है, ह्यूज हो जाता है। इसीलिए डिजाइन प्रोसीजर को हमें इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉजिकल डिसीजन कुछ डिजाइनर लेता है और कुछ कंप्यूटर के थ्रू लिया जाता है। तो ये जो दोनों मेथड का हम लोग यूज करते हैं साथ में, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका कॉम्पिटिशनल वर्क है वो जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम करना, कंप्यूटर प्रोग्राम को रन होना, ये सब क्या है, ये सब जो लार्ज पार्ट है ये सब हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होता है और कुछ डिसीजन जो है हमारे डिजाइनर के थ्रू लिया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो भी आपके डिजाइन प्रोग्राम में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। इसीलिए हाइब्रिड मेथड में आपका सिंथेसिस और एनालिसिस मेथड दोनों इन्वॉल्व होता है। तो ये थी हमारी कुछ तीन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर CAD एनालिसिस। इसी के साथ हमारा जो ये आज का लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में आप को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।